राम राम सभी को। ऑनलाइन इंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आज हम बात करते हैं बेरोजगारी पर। देश के अंदर बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, चाहे प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी। आज एक बड़ी न्यूज आई है, इसको हम पढ़ लेते हैं। 1 लाख युवाओं में से सिर्फ 75 को मिली नौकरी। आप किस नंबर पर हो भाई? 1 लाख में से 1 लाख फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से 75 युवाओं को नौकरी मिली है। बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, क्या कर रही है केंद्र सरकार? क्या नींद में है केंद्र सरकार? इसकी पूरी जानकारी पढ़ लेते हैं। देश में बेरोजगारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने गुरुवार को कहा कि नौकरी के लिए केंद्र सरकार के पास आवेदन करने वाले 1 लाख युवाओं में से सिर्फ 75 को मिली नौकरी। पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 1 लाख फॉर्म भरे गए थे, जिसके अंदर सिर्फ 75 को ही नौकरी मिल पाई है, बाकी लोग कहां जाएंगे। पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता ने सौरभ भारद्वाज ने कहा कि संसद में केंद्र सरकार ने जो जवाब दिया है उसके मुताबिक बीते 8 साल में नौकरियों के लिए 22 करोड़ आवेदन आए। आवेदन करने वालों में से सिर्फ 7.22 लाख लोगों को ही नौकरी मिली। उन्होंने कहा कि NSSO डाटा के मुताबिक देश में 45 साल में से सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। भाई अब तक के 45 साल बीते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर 2022 के अंदर आ चुकी है। बेरोजगारी 8 साल में 22.59 करोड़ आवेदन सरकारी केंद्रीय सरकारी नौकरियों के लिए आए, जिनमें से 7,22,311 लोगों को नौकरी मिली। भारद्वाज ने कहा कि स्थानीय नौकरियां भी अग्निवीर जैसा योजना से खत्म की जा रही है। सौरभ भारद्वाज का कहना है कि जो आर्मी की भर्ती है, एयरफोर्स की भर्ती है, नेवी की भर्ती है, उनको योजना बनाकर प्राइवेट की जा रही है, नौकरियों को खत्म किया जा रहा है, बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है दिनों दिन। सरकार है अभी तक नींद में सोई पड़ी है भाई। सरकार का कहना है कि हम प्राइवेट करके सभी को नौकरी देंगे, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा लोगों को, वो भाई सरकार ही जाने। आप सभी इस पर मुद्दा जरूर उठाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।